हेलो वर्षा होना खड़ा हुआ है तो जागरण प्राण संयोजक, ये जो कल भुट्टा के चौराहे पर एक मजार थी उस पे पक्का निर्माण इन्होंने किया है। लॉकडाउन की आड़ में वहाँ एक पर्दा लगाकर और अंदर उन्होंने पक्का निर्माण कर लिया है। जब प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन वहाँ आया और वहाँ पर प्रशासन ने भी गाड़ियाँ आगे खड़ी करके और हमें ये कहा कि ये सारी पूर्व की स्थिति हो जाएगी, लेकिन पूर्व की स्थिति नहीं हुई। कुछ ईंटें उतार के उस पर लोहे की ग्रिल लगा दी गई और आसपास की ईंटें उन्होंने नहीं हटाई और जिस जहां पर प्लस्तर नहीं था उन्होंने प्लस्तर भी कर दिया। हमने एडीएम सिटी कहा कि आपके यहाँ 145 में कुरक का कोर्ट का आदेश है, ये विवादित ज़मीन है और ये हमारे पास उसका पूरा है कि यह जो ज़मीन है वो उत्तर की तरफ तो जो है ज़मीन जिसको कब्रिस्तान कहते हैं वो कब्रिस्तान नहीं है, वो नगर विकास न्यास की ज़मीन है, ये इसमें लिखा हुआ है और कोर्ट ने 145 में कुड़ का आदेश कर रखा है। और इधर जो दक्षिण में जो ज़मीन है वो नगर निगम की ज़मीन है। कुड़क सुधा ज़मीन पर एडीएम और एसडीएम भी वहीं उपस्थित थे और उस पर निर्माण हो गया। प्रशासन जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं दबाव में कार्य कर रहा है, इसलिए हमने उसका विरोध किया, कल वहाँ पे विरोध किया और आज हम उस के विरोध में कलेक्टर को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री नाम का ज्ञापन भी देने जा रहे हैं, जो कि पूर्व की स्थिति बने और वहाँ न्यायप्रिय कार्य हो। एक कलेक्टर जो है, एक नगर विकास न्यास जो है, कोई घर के आगे दो सीढ़ियाँ बनाता है तो शिकायत पे तोड़ के आ जाता है। इतनी बड़ी ज़मीन जो उन्होंने कब्जे कर ली और अभी कमरा भी वहाँ बना दिया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम आज ज्ञापन दे रहे हैं उसके उस विरोध में। और हम कह रहे हैं कि नगर विकास न्यास अपनी ज़मीन अपने कब्जे में ले, नगर निगम अपने कब्जे में ले और जो निर्माण कार्य अवैध रूप से हुआ है उसको हटाए।